हाँ जी, कैसे हो आप सर? मैं विहान बाबू को शाम को थोड़ा घुमा रही थी और उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैं आपको घर जाते ही दिखाती हूँ। तो जी, अभी शाम का टाइम है, तो ये देखिए, हमने ना ये जो एंट्रेंस का यहाँ थोड़ा सा टाइल लगा के पक्का करा है, ताकि जो मिट्टी थी ना सीधा घर में ना आए, और इधर का कच्चा छोड़ दिया, यहाँ पे घास उगा देंगे। तो आप देख लीजिए, बस कुछ इस तरीके से है एंट्रेंस मेरे घर की। तो अभी ये कच्चा है, इसके ऊपर पैर नहीं रख सकते, बल्कि टाइल्स के लिए भी बोला है कि पैर मत रखना इसके ऊपर। ये कच्चा इधर इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ ना पाइपलाइनिंग जा रही है बिजली की सारी, कल को मरम्मत करनी पड़ी, वो देखिए जैसे, तो खुदाई करवानी पड़ सकती है। तो देखो यहाँ तक का है ये सारा हिस्सा, इसलिए कच्चा छोड़ दिया, कोई काम होगा यहाँ पे हो जाएगा। आगी 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 विहान आगी। हाय, अभी घर मत देखना, बहुत खराब हो रखा है, नींद भी नहीं आ रही, रात को ऐसा बिखरा हुआ है, देखना अंदर से। बस ये ना अभी ये जो घर है ये 2-3-4 दिन में पूरा सेट हो जाएगा। ना मम्मा, कल का काम नहीं, 2 दिन लगेगा, देख लेना। आप देख लीजिए मैं क्या लेकर आई हूँ। ये है गाजर पाक, जो पीस वाला आता है ना, मिठाई वाला, तो ये लेकर आई थी। मैं कहा थोड़ा सा विहान खा लिया करेगा, गर्म करके दे देंगे थोड़ा सा, देखते हैं खाता है नहीं खाता। खा ले, गर्म चीज नहीं है, ले बेटा खा लो, देखते हैं गर्म करके दे दूंगी। एक और भी है पैकेट, वो भी दिखाती हूँ भी मैं आपको। आप में से किस किस को पसंद है तिल बुग्गे की मिठाई? ये खोवा होता है, देखिए प्रॉपर कुछ इस तरीके से, और ये पूरा तिल बुग्गा है, देखिए अभी और भी रखा हुआ है, ये पूरा पैकेट है। तो ये भी खाएगा विहान, खा लो थोड़ा सा, खोवा है पूरा, इसमें तिल की मिठाई है, ये काफ़ी अच्छी होती है। तो ये भी मैं अभी पैक करके रख देती हूँ, थोड़ी थोड़ी विहान खा लिया करेगा, ठंड का टाइम है ना, तिल गर्म होता है वैसे भी। पापा जी यहाँ पे देखिए ले आए हैं घर के लिए अनार, गोभी, और इसमें क्या है पापा जी, ये देखिए लड्डू है, लड्डू, ये कैसे लड्डू है पापा, इकट्ठे हो रखा, ये देखिए, तो ये मंगलवार का प्रसाद है, ये बेसन के लड्डू है इसके अंदर, ये कीवी है, कीवी, हाँ मैं कीवी तो खुश हो गए खाती हूँ। ये देखिए, इसके अलावा पापा जी लाए हैं कीवी, ये कितने का आया पापा जी, एक पीस 30 का, 50 के 3। और ये देखिए पपीता भी आ गया, और मम्मी पी रही है चाय, नहीं विहान के लिए, अच्छा दूध है बॉर्नविटे का, मैंने अपना बिस्तरा बना दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे हम रात को मम्मी विहान और मैं तीनों सो जाएंगे यहाँ बिस्तरे पर। और अभी प्लीज आप घर की हालत को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कल या परसों 2 दिन में सारा काम हो जाएगा। अभी देखना दीवारों का हाल क्या है, घर का ही हाल बेहाल हुआ पड़ा है, अभी तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है घर। इवन बाथरूम भी मैं आपको दिखाती हूँ, रुके लाइट जला के, मैं अभी सिर धोया है, ये देखिए बाथरूम में भी आपको दिखेगा हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रखी है, देखिए सारा ना अभी काम हुआ ना, ये सारा ये निकला तो पाँव के साथ अंदर आ गई है, तो 2 दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, उसके बाद ही घर सेट होगा। मैंने अभी हेयर वॉश किए हैं, सिर धो के आई हूँ, नहाई नहीं हूँ, बस मैंने सिर धो लिया, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा ना ख़राब हो रखे थे मेरे, पूरे रफ रफ से हो गए थे, कई दिन हो गए थे हेयर वॉश किए, इसलिए बस हेयर वॉश करके अब मैं अपना यहाँ पे देखिए चार्जर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सामने, ये लगा दिया है, और मैं यहाँ पे रजाई में घुस रही हूँ, थोड़ा सा ठंड लगेगी अभी तो इसलिए रजाई में घुस जाते हैं हम। एक कंबल, पता नहीं ये कंबल इतना अच्छा है ना, इस कंबल के अलावा कुछ भी नहीं ओढ़ते, फिर भी इसमें इतनी अच्छी बढ़िया ठंड रुक जाती है। तो सुबह मिलती हूँ मैं आपसे, सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं सो के उठ गई हूँ, और मेरा बाबू भी देखो बस उठने की तैयारी में है, इतना दुखी क्यों हो रहा है। आप में से कुछ कमेंट करके पूछ रहे थे ना कि ये घड़ी कितने की ली थी मैंने, ये आई थिंक मुझे प्रॉपर याद नहीं है रेट पर 250 से 300 रुपए थी, और इसको देखो आप विहान, ए बच्चा मेरे साथ खड़ा हो गया, मैं बेड पे खड़ी हुई तो ये भी हो गया। और यहाँ पे देखिए इस साइड मैंने ये फ्लावर्स तो मैं चारों लेकर आई थी, और यहाँ पे हमारा, ओए गिरेगा विहान
यहाँ पे हमारा डोरीमोन है, ये जो गिलहरी है ये मैंने सरोजनी मार्केट से खरीदी थी जब मैं नौकरी करा करती थी, और ये टाइगर मैंने विहान के जन्माष्टमी के गिफ्ट के लिए लिया था, और ये भी विहान के शायद मैंने जन्मदिन पे लिया था। तो इस तरीके से मैं जब विहान के लिए जैसे जन्मदिन पे या कुछ छोटे मोटे ना सॉफ्ट टॉयज ले लेती हूँ, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे काफ़ी शौक है। इवन आप टीवी पे भी देख सकते हो, मैंने ये हिरण बैठा रखा है, रुकिए आप ये देखिए आप, है ना जी। ठंड है ना इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है, ये जैकेट सही है, मोटी है। थोड़े से नूडल्स खाए अभी अभी मम्मी ने बना रखे थे, और कॉफ़ी पीऊँगी सुबह सुबह, ठंड ही नहीं उतरती सच में। रात को सोते हुए और सुबह मॉर्निंग में कॉफ़ी के बिना नहीं मेरा सरता। और मैं आपको आज ना अपना ये बुक्स का कलेक्शन दिखाती हूँ, आपको पसंद आएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं किताबें काफ़ी पढ़ती हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन जब से कई महीने क्या साल ही हो गया बहुत कम पढ़ी है। पहले तो मैं महीने में 5-6 किताबें पढ़ देती थी, बुक्स पढ़ती थी। तो अभी यहाँ पे देखिए धूल मिट्टी हो रखी है, रुक जा बच्चे ले तू ये ले ले खान, ये खान का टॉय है उसको ले देती हूँ, ले ले बच्चे ले ले, बस ये इसमें खुश हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो किताब आपको यहाँ पे दिख रही है मंगल गीत, ये मेरी मम्मी की किताब है। मेरी मम्मी जब मेरी शादी थी उस टाइम लेकर आए थे, मतलब मंगल गीत वगैरह होते ना बन्ने बन्नी वो सब है इसके अंदर। तो देखो कितनी धूल मिट्टी हो रखी है। तो ये मेरी कुछ, ये तो मेरी नोटबुक है, ये देखो एक तो ये है क्या, एक से मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। एक तो ये है देखिए, क्या खाए क्या ना खाए, इसमें वही है जैसे कि कोई भी जैसे बीमारियाँ होती है उसमें क्या चीज़ खानी चाहिए, ये काफ़ी टाइम से रखी है ये वाली बुक मेरे पास। इसके अलावा ये देखिए ग्रह शोभा रखी है इसको करते हैं, ये भी मेरी एक नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, ये कुछ पुरानी ग्रह शोभाज रखी हैं। क्या हो गया बच्चे? तो ये रही मेरी किताबें, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, ये है मंदिरा बेदी जी की हैप्पी फॉर नो रीज़न, ये उनकी जैसे कैंसर की जर्नी थी ना उसके ऊपर है। ये देखना ये वहाँ पे खड़ा है और सोच रहा है कि ना मेरे को ना साइकिल चलवाओ, साइकिल कहाँ से चलेगी आगे सोफा अड़ा हुआ है। दौलत और सफलता की राह, ये वाली मैंने दुकान से खरीदी थी ना आपके सामने, ये वाली मैंने आधी पढ़ी है। एक है बाबू रुक जाना, ये है ईट स्मार्ट, ये ना वो है मतलब ना ये वो वाली किताब नहीं आप सोचोगे, ये इस तरीके से वो है जैसे इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो कि आप दिन में क्या खा रहे हो सुबह क्या खा रहे हो, ये एक तरीके का वो है, डायरी लगा लो डायरी बुक है ये वाली मेरी। फाइट विद फैट, इसके 5-6 पन्ने विहान, रुक एक मिनट रुक गया, पहले मैं इसको देख लूँ क्या बात है, मैं बता रही ना फंस गया ये, हाँ हाँ रुक जा रुक ले चला ले चला ले बच्चे ले चला ले, नखरे आ रही कहीं का। तो यहाँ पे जो ये वाली बुक है ना इसके मैंने 5-7 पन्ने पढ़े हैं अभी, विहान मत कर बच्चे। ये वाली एक देखिए मेरे पास रुजुता दिवेकर की 12-week फिटनेस प्रोजेक्ट, ये वाली जो बुक है ना मेरी ये भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, 5-10 पन्ने भी मैंने अभी नहीं पढ़ी है, ये मैंने काफ़ी पढ़ ली, इतनी पढ़ चुकी हूँ ये वाली बुक मैं, फिर मैंने इतनी पढ़ के फिर छोड़ दी बीच में, तो इसमें काफ़ी अच्छी किताब है ये भी। ये है ये वाली बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी आज तक, मेरे भाई ने मुझे दी थी पर मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से आया ही नहीं कभी ये किताब मैं पढ़ूँ, रखी हुई है बस चाके, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। बेटर देन बिफोर ये बुक मैंने नहीं पढ़नी शुरू करी अभी तक। ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग ये भी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को बड़ा मन है मैं ये किताबें पढ़ूँ। ये वाली जो है ना मुश्किलें हमेशा हारती है, ये मैं बस स्टैंड से खरीद के लाई थी, और ये वाली जो बुक है मैंने इतनी पढ़ी हुई है, देखो ये देखो सारे पन्ने भी थोड़े से इसके अभी ये शिफ्टिंग में थोड़ी सी खराब होगी है, बट बुक अच्छी है। ये वाली बुक मैंने पूरी पढ़ रखी है, वेट लॉस, ये मैंने शादी के टाइम खरीदी थी उस टाइम मैंने पढ़ी है, ये मैंने 2 बार पढ़ी है पूरी बुक, बहुत अच्छी बुक है ये वाली भी। इसके बाद ये है डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बुक मेरी बहुत अच्छी है, मैं 6-7 बार पढ़ चुकी हूँ। इसका हिंदी वर्जन है ना बुक चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो ये वाली बुक अगर आप में से कोई है जो टेंशन का मरीज है, डिप्रेशन में रहता है, या फिर नींद नहीं आती जिसको, या फिर जो बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है एक्सट्रीम लेवल पे, जिसको लगता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की मदद की ज़रूरत है,
तो ये बुक आपके लिए मस्ट बाय है, क्योंकि एक टाइम था मेरे लाइफ में काफी साल पहले, 5 से 6 साल पहले मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब सी चल रही थी, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं एक ही बार गई थी, तो उन्होंने ना मेरे को कोई दवाई नहीं दी थी, मेरे को सिंपली ये वाली किताब दे दी थी, कहा था ये किताब पढ़ो, आपको सिर्फ एक थोड़ा मोरल सपोर्ट चाहिए। तो ये बुक जब मैंने पढ़ी ना, तो मैं बहुत बेटर फील कर रही थी, तो मैंने तब है थोड़ा सा हेल्प बुक पढ़ना शुरू किया था। तो ये बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक है, आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, डेल कार्नेगी की बहुत अच्छी बुक है। ये मेरी बुक नहीं है, पता नहीं किसकी है, इंश्योरेंस की रखी है। इसके अलावा ये बुक भी मैंने खरीदी थी, ये वाली बुक मैंने इतनी पढ़ी है देखो, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। मैं ना अभी तो यहाँ पे दिखाती हूँ क्या है मेरे पास, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर। ये मेरी जब सन्नी एक्सपायर हो गए थे ना, तो उसके बाद मेरी भाभी दे के गए थे मुझे वाली बुक पढ़ने के लिए, थोड़ा सा मोरल थोड़ा हाई होगा, बट मैंने अभी तक नहीं पढ़ी ये वाली बुक। ये है नोट्स फॉर हेल्दी किड्स, इसके मैंने 10 पेज पढ़े हुए हैं, ये विहान के लिए मंगवाई है मैंने। ये वाली बुक मैंने 7-8 साल पहले पढ़ी थी, मेरे एक भैया ने मुझे दी थी, लेकिन अब नहीं पढ़ी रिसेंटली मैंने। ये भी डेल विहान, पता है ऐसे मत कर बेटा, डेल कार्नेगी की है ये वाली किताब। ये देखो ये बता रही थी, देखो इसका हिंदी वर्जन मेरे पास रखा है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये बुक मैं 10 बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छी किताब है, इसके तो पन्नों के मेरे को लाइनें भी याद हो गई है, इतनी पढ़ी है मैंने ये बुक। द पावर ऑफ नाउ, ये बुक मैंने नहीं पढ़ी, बस खरीदी थी। उसके अलावा ये वाली है देखिए, 12 रूल्स फॉर लाइफ, ये मुझे सस्ती मिल रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने मंगवा ली थी, पर मैंने अभी इसको पढ़ना शुरू नहीं किया, पढ़ूंगी लेकिन मैं। ये बुक मैंने प्रेगनेंसी में पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक लगी थी, ये भी अच्छी किताब है। तो मेरे पास ये है कलेक्शन, मैंने आपको दिखा दिया है मेरा सारा। अभी मैं और खरीद नहीं रही बुक इसलिए क्योंकि पहले वाली पहले पढ़ लूँ ना, वरना ऐसे बुक इकट्ठे करने वाली बात हो जाएगी। जब ये पढ़ लूँगी उसके बाद मैं नई किताबें खरीदूंगी, पहले ये बुक्स पढ़नी ज़रूरी है। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ना, आपकी लाइफ में कितना दुख हो, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ने की अगर आप में आदत है ना, कि किताबें बुक्स पढ़ना पसंद है आपको, आप कभी दुखी रह ही नहीं सकते, और अकेलापन तो कभी महसूस करोगे ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पास अगर किताबें हैं पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त हो जाती है ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, तो बुक्स आपका मन लगाए रखती हैं। तो चलिए आप भी बुक्स पढ़ा कीजिए, मैं भी पढ़ूंगी, आज बैठ के एक किताब पढ़ूंगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।